तो अगर मैं आपको बोलूं कि दुनिया की मोस्ट पावरफुल कंपनी जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेज़न जैसी कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स टैक्स देने से बच लेती है, तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कैसे इतनी पावरफुल कंपनीज यूएस गवर्नमेंट का छोटा सा लूप होल यूज करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स कैसे टैक्स सेव कर लेती हैं। और आज एप्पल ने 80 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का टैक्स बचा रखा है। तो 2011 में जब स्टीव जॉब्स की डेथ हो गई तो एप्पल कंपनी की सारी पावर टिम कुक पे आ गई। और जब इतनी सारी पावर आती है किसी बंदे में, एक चीज और आती है, वो है टैक्स देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एप्पल जो वर्ल्ड की ट्रिलियन डॉलर कंपनी है, उसे भी टैक्स देना बिल्कुल भी नहीं पसंद जैसे कोई और कंपनी को। एप्पल कंपनी का यूएस में 55% मोबाइल मार्केट का शेयर है, जिसके कारण एप्पल बहुत ही ज्यादा पैसा छापती है। बट अगर एप्पल को यूएस में अपना प्रोडक्ट बेचना है तो भाई टैक्स तो देना पड़ेगा। एप्पल क्या करती है, 70% से भी ज्यादा प्रॉफिट टैक्स हेवन कंट्रीज में रखती है। टैक्स हेवन कंट्रीज वो कंट्रीज होती है जहां फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन बिजनेसेस को टैक्स पे नहीं करना पड़ता। और ये सारी कंट्रीज ऐसा इसलिए करती है क्योंकि जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर या फॉरेन बिजनेस इनके देश में सेटअप करेगा अपना बिजनेस, तो उस कंट्री के सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और ऊपर से जब एप्पल जैसी कंपनी सेटअप होगी वो इतनी बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी लाएगी जिसके कारण उस कंट्री के लोग उस टेक्नोलॉजी को सीख सकते हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी और इससे देश की GDP भी ग्रो होगी। बट एप्पल ऐसा नहीं है कि यूएस गवर्नमेंट को टैक्स पे ही नहीं करता या जीरो टैक्स पे करता है, बल्कि एप्पल ने तो 2017 में ऐसा स्टेट करा था कि वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं। बट एप्पल जो टैक्स हेवन कंट्री यूज करता है वो कंट्री है आयरलैंड। तो अभी आप सोच रहे होगे कि यूएस गवर्नमेंट पागल थोड़ी ना यार, उन पे केस कर देगी एप्पल पे कि ये टैक्स बचा रहे हैं। तो देखो, यूएस गवर्नमेंट का एक लॉ है और उस लॉ का मतलब है कि यूएस गवर्नमेंट उन प्रॉफिट पे टैक्स नहीं लगा सकती जो कंपनीज फॉरेन सब्सिडीज से पैसा यूएस में लेके आती है। इसका मतलब है कोई भी कंपनी जैसे एप्पल है, वो अगर इंडिया से प्रॉफिट कमाती है, अगर वो यूएस में लेके आती है तो उस पे इन्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही करते हैं आयरलैंड के साथ, जहां पूरे वर्ल्ड का पैसा ये आयरलैंड में स्टोर करके रखते हैं। और जब आयरलैंड से प्रॉफिट ये यूएस में लेके आते हैं तो ये कह देते हैं कि ये फॉरेन सब्सिडीज का पैसा है, जिसके कारण इन्हें बिल्कुल भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता। और इसी लूप होल का फायदा उठाती है एप्पल और बिलियंस ऑफ डॉलर्स टैक्स बचाती है हर साल। बट जब कहानी इतनी शांति से चली रही थी तो यार मजा नहीं आ रहा था। तो 2013 में आता है कहानी में ट्विस्ट। यूरोपियन कमीशन एप्पल पर केस कर देती है, एप्पल आयरलैंड का इस्तेमाल कर रहा है टैक्स चोरी करने के लिए। अब यूरोपियन कमीशन के खुजली इसलिए उठ रही थी क्योंकि आयरलैंड यूरोप के अंडर आता है, और यूरोपियन कमीशन सोच रही थी क्यों ना एप्पल को पागल बना के बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम भी टैक्स ले लें। खुशी की बात यह है कि आयरलैंड भी एप्पल के साथ था, वो खुद कह रहा था आपको टैक्स देने की कोई भी जरूरत नहीं है। और 2013 से 2016 तक ये केस ऐसे ही चलता रहा। और 2016 में यूरोपियन कमीशन एप्पल से 15 बिलियन डॉलर की मांग करती है। तब भी आयरलैंड के जो प्रेसिडेंट थे वो भी यही कह रहे थे कि एप्पल को कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, वो हमें एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, वो ही बहुत बड़ी बात है। तो 2016 से 2020 आ गया, ये कहानी यूं ही चलती रही। और 2020 में एप्पल को 15 बिलियन डॉलर का टैक्स पे करना पड़ा यूरोपियन कमीशन को। अब एप्पल को कोई भी टेंशन नहीं है यूरोपियन कमीशन से कि मुझे हर साल टैक्स पे करना है। अब उन्होंने एक ही बार में 15 बिलियन डॉलर दे चुके हैं, अब वो टेंशन फ्री है और 80 बिलियन से भी ज्यादा टैक्स बचा लेते हैं हर साल। तो कमेंट में बताओ कैसा लगा एप्पल का मास्टर प्लान टैक्स बचाने का। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को एक लाइक कर देना और मार्कनिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर वीडियो ऐसे ही पसंद आ रही है तो। सो अगर आपको जानना है रोलेक्स कंपनी कैसे 60,000 करोड़ की ब्रांड बना तो लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो।